Hello students of class 9. Today I am going to solve a question in your mathematics book. This is exercise 8.1. This is exercise 8.1 and question number 2. Question number 2, 8.1. And question is, if the diagonals of a parallelogram, if the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. So, let us solve this question. We have to give an ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. A parallelogram diya. Aur kya diya hai? AC and DB. Two diagonals are equal. So, यहां पे लिखते हैं गिवन दैट इन पैरेललोग्राम एबीसीडी पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टीज है वो तो आप लोग जानते ही होंगे कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है और जो एडजेसेंट एंगल्स हैं 180 डिग्री होता है. अब देखिए एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम एंड AC equal to DB. We have to prove, we need to prove what? Prove that ABCD is a rectangle. बताइए बच्चों कैसे rectangle prove कीजिएगा इसको. तो rectangle का क्या property होता है? Rectangle एक parallelogram होता है. Rectangle भी एक parallelogram, ऐसा parallelogram होता है जिसका कोई एक angle 90 डिग्री हो. ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल भी 90 डिग्री है तो वो एक रेक्टेंगल हो जाएगा. क्योंकि एक एंगल यदि 90 डिग्री है तो हम जानते हैं एडजेसेंट एंगल दूसरा भी 90 होगा, ऑपोजिट एंगल भी 90 होगा, तो ये भी 90 होगा. सो एक एंगल भी 90 डिग्री प्रूव कर दीजिएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा. सो देखिए सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग. क्या करते हैं सॉल्यूशन में, टेकन इन द ट्रायंगल. यहां पर देखिए दो ट्रायंगल को ले लीजिए, एक DBC, ट्रायंगल DBC एंड इस एक साइड को कॉमन लेते हुए ट्रायंगल लेना है, याद रखना एक ये लेना है ABC. DBC और ABC आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं DCB एंड ABC एज योर चॉइस. दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रियंट करना है. यदि कॉन्ग्रियंट कर लेते हैं तो क्या हमको मिलेगा? हमको मिलेगा जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रियंट हो, ये आपको ये हम लोग कंडीशन में है. ओके, ये कंडीशन में ये दोनों ट्रायंगल यदि कॉन्ग्रियंट हो जाता है तो हमको ये एंगल इक्वल मिल जाएगा. बस ये करना है. तो लिखिए अब क्या करना है हम लोगों को, टेक इन ट्रायंगल डीबीसी. देखिए डीबीसी में क्या है, बीसी है और इसमें भी एबीसी में क्या है, बीसी. सो बीसी इक्वल टू बीसी, क्यों भाई कॉमन है, ये कॉमन है. एंड वी हैव टू गिव हैन ऑलरेडी एसी इक्वल टू डीबी. इस ट्रायंगल में देखिए डीबी आ रहा है, इस ट्रायंगल में देखिए एसी आ रहा है. ओके, तो हम लिख सकते हैं पहले डीबी इक्वल टू एसी, क्यों गिवन. एंड नेक्स्ट इज opposite side of a parallelogram are equal, so DC equal to AB. Opposite side of parallelogram, ये रीजन हमने दे दिया. Hence अतः क्या हो गया, क्या मिला इससे, इससे मिला कि ट्रायंगल DBC is congruent to triangle ABC by which criteria, by SSS. तीनों साइड लिए बाय SSS. जैसे कि हम बताएं कि ट्रायंगल DBC, देखिए DBC और ABC इक्वल हो गया, सॉरी कॉन्ग्रियंट हो गया. जब कॉन्ग्रियंट होता है तो कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, सो एंगल C बराबर एंगल B. यानी कि इसको हम एडजस्ट करके लिखेंगे इन इसमें DCB, एंगल DCB इक्वल टू एंगल ABC. क्यों बाय सीपीसीटी, ये एक प्रोसेस है लेने का. ये इक्वल हो गया. अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम का
two consecutive angle, that is called adjacent angle. Adjacent angle sum is 180 degree. So right here angle DCB plus angle ABC is equal to 180 degree. And also we have to given that DCB equal to ABC. तो हम लिख सकते हैं DCB की जगह पर ABC and also we have ABC equal to 180 degree. ABC plus ABC, 2ABC equal to 180 degree and ABC equal to 180 by 2, that is 90 degree, and angle ABC 90 degree. We know that a parallelogram which any one angle is 90 degree, then it is a rectangle, that is proved. Okay, dekh lijiye, is tarah aapko prove karna. Okay.